Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are absolutely fit and fine. Motor band. Welcome back to the channel. I know it's been so long creating a vlog with my bike. तो चलो आज संडे है, आज मेरा लीव है तो हम बाहर घूमेंगे, मस्ती मजाक करेंगे. एंड हियर इज आवर बाइक. पहले इसको अनरैप करते हैं. अनरैप, वाओ, अनबॉक्सिंग. तो आज का अपना मेन टास्क फर्स्ट टू गेट एन हेयर कट. हेयर कट नहीं है हमारे पास. आज का हमारा टास्क है टू गेट एन हेयर कट फर्स्ट. हेयर कट एंड फेशियल हेयर निकालना है, फिर इसको धोने भी देना है. हद से ज़्यादा धूल बैठ गई है इसके ऊपर. हो देखो, तो पता नहीं ये इस चीज़ को और थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं या यहाँ पे इस चीज़ को एक्सटेंड कर देंगे, वरना देखो पूरा नीचे ख़राब हो रहा है. द होल, आई डोंट वॉन्ट दैट टू बी हैपन. चलो इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ माई लवली पार्ट. अच्छा, आप लोगों ने आवाज़ सुनी नहीं होगी, आप आवाज़ सुन लेना एक बार. टिम कम इसको सताते हैं, अब देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है, कैसा आर्ग्यू करता है मेरे साथ. बाहर आ भाई, जल्दी बाहर आ बे. गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वही चेहरा है जो बेस्ट फ्रेंड होने के नाते कॉल नहीं करता, मिलता नहीं, बर्थडे के दिन मिलने नहीं आया, कुछ नहीं. कॉल करा था तेरे को 12 बजे, कॉल करा था मैं 12 बजे, ऐसा देख रहा था मैं 12 को कॉल करा था मैं 12 बजे. करना मैं, मेरे को उस दिन क्या बोलते ऑफिस था और ऊपर से मैं कस्टमर और एक फंसा दिया मेरे को, मैंने उससे ही बात कर रहा था मैं. उसको कैसा है कि एक ड्रॉप कर दे के मैं इसको कॉल करने आया था, इन्हें कॉल नहीं लिफ्ट करा, फिर भी जान दो बोल के मैसेज टाइप करके उसको सेंड करा था. कोऑपरेट कोऑपरेट लाइफ कोऑपरेट प्रॉब्लम्स. जल्दी छोड़ेंगे, जॉब भी छोड़ेंगे. कब छोड़ता? थोड़े दिन और. छोड़ के क्या करता? कुछ प्लान से वो सब कुछ करेंगे करेंगे करेंगे. तो हम किधर? डीमार्ट. डीमार्ट जाएंगे, बट पहले ब्रेकफास्ट करेंगे. ब्रेकफास्ट करके फिर गाड़ी वॉश कराना है, फिर डीमार्ट भी जाना है, थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, देखेंगे. हाँ, कितने में? 10,000 बस है. 20,000 इतना बड़ा मोटा है वो, नया रहा है. जबक में डाल लिया, ब्लॉक कर लिया. देख अच्छा चढ़ रहा, स्पीड हो रहा जबरदस्त. अच्छा, मेरे को बैग नहीं आया उसमें. भाई ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, जस्ट अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं. यहीं से जा रहे थे, डीमार्ट जा रहे थे शॉपिंग वगैरह कुछ करने. यहीं से जा रहे थे तो रास्ते में लगा कि क्रैश गार्ड डलेंगे ऐसा वाले, तो यहाँ पे रुक के देख रहे हैं अगर सही सही दिखा, अगर अफोर्डेबल दिखा, प्राइस रेंज में दिखा तो ले लेंगे. देखेंगे, उसमें स्क्रैच गार्ड भी नहीं है एंड कुछ नहीं है तो सेफ्टी फर्स्ट. इससे पहले गिर गई थी धाड़ बोल के, गिरते कि वो क्लच टूट गया था उसका, छोटा इतना. तो वहाँ से हम कैरिंग इट, तो देखते हैं अगर सही दिखा तो आज ही का जी अभी का भी डला देंगे. मेरे को यही बात अच्छी लगती है बॉयज़ प्लान्स की, रैंडमली कुछ भी काम में कुछ भी कुछ जाते हैं. लाइक लिटरली यहाँ से जा रहे थे, देखा रोक दिया गाड़ी, अंदर डाल दिया, बताओ बोल के बोल रहे अगर सही दिखा तो डला लेते. अच्छा है, सोच समझ के लेना नहीं पड़ता. नहीं सुनाओ, अब अच्छी खासी इसकी टाइट फिटिंग हो रही है, मतलब पूरे स्क्रैच गार्ड वो सब कुछ लगा रहे हैं. ये इसको, ये साइड के बार एंड्स भी आते हैं और साइड के भी बार आते हैं,
सही लगेगा गाड़ी। सोच के भी नहीं आया था सुबह कि मैं मॉडिफिकेशन करा पाऊँ गाड़ी की, या मॉडिफिकेशन नहीं बोल रहा हूँ बट सेफ्टी जैक लगाऊंगा। चुप ऐसे चौड़ में सुबह उठ के मम्मी कटिंग कराने दाढ़ी कराने जा रहा हूँ बाहर, बोल के नाश्ता करके आ रहा हूँ बोल के बोला था। कहाँ से कहाँ पे आई एम समटाइम्स आई वंडर, अगर कुछ नहीं रह गया है, अगर कुछ होता गलती से तो क्या सोचते हर दिन ये नई R15 खरीदते थे अपन एक एक कलर की एक एक तो गुड। नहीं करो बोलते हैं ना एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, इसका कॉल आना, मैं उठना, फिर यहाँ पे आना, गाड़ी का स्टॉप देखना, बाकी कर लेना, यू नो लाइफ इज सो अनएक्सपेक्टेड, कभी भी कुछ हो सकता है। तो कसम से मैं सोचा भी नहीं था कि ये सब कराऊंगा और इतना खर्चा भी करूंगा सोचा नहीं था, बट हो रहा है तो गुड। क्या पता अगर लगाते के जाते डर पे कुछ भी हो डाइबल ना आया था डर था, तो देखते हैं और अच्छे से मॉडिफिकेशन बताते हैं। उन्होंने एग्जॉस्ट डाला रहा है सेम R15 V4 कैच, देखेंगे अपन फ्यूचर में कौन सा करा सकते। अरे इतने सारे एग्जॉस्ट से क्या एक बार पूरे अच्छी तरीके से मॉडिफाई हो गए तो अब मैं क्या क्या करा रहा हूँ वो बोलता हूँ। स्क्रैच गार्ड डला दिया अपन, स्क्रैच गार्ड डला के फिर वो डला के फिर एक लीवर गार्ड डला रहे और विंग लगा इसके पीछे विंग द लेजेंड बुलेट, तो उस विंग्स लगा रहे फिर देखते हैं। आई हम वैसे लीवर गार्ड चलाएंगे बोल के सोच रहा हूँ, तो अगर वैसे उस पर लग गए तो ठीक, देखेंगे फिर फाइनल लुक कैसी आती है। अभी देखो गाड़ी कैसी है, क्या बोलते रहे इसको लीवर गार्ड कैसे भैया? नहीं रेडिएटर, तो रेडिएटर ये वाला लगा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा तो वही लगा देंगे और लीवर गार्ड भी डला रहे, कुछ भी जो समझ में आ दे ले ले लगा। वाइजर भी देख रहे हैं, वाइजर अगर सही आया तो ठीक, नहीं तो अगले सैलरी पे तो भैया है भैया ने मदद की हमारी। तो यहाँ लोग आपको कैसा फाइंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भाई? veer.automobiles करके इंस्टाग्राम पेज है मेरा जी, तो उस पर आप एक्सेसरीज पूरे देख सकते हैं। और अगर इन स्टोर आना है तो रामकोटी में मेरी शॉप है वीर ऑटोमोबाइल्स के नाम से। मोबाइल नंबर मैं आपको नीचे दे दूंगा या स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग ज़रूर कनेक्ट कर लेना, आ जाना, अच्छी सर्विस है, बहुत बढ़िया काम है और जल्दी जल्दी हो जा रहा है। यस सेफेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डीमार्ट इज कमिंग। ब्रांड एम्बेसडर को पुकट में दे दिए तो उठा लिया। सबसे हेल्दीएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज योगर्ट। जब हम योगर्ट लेने जा रहे थे तब हमको हमारा फेवरेट चॉकलेट मिला, छी तो क्या करे वालों अपन, अब मैं एक तो नहीं खाता हूँ, ले दो अलग। अरे मेरा स्निकर्स मेरे को दे दे, मेरा है ये। अरे स्निकर्स दे दे, नहीं स्निकर्स मेरा है,
वो फ्यूज तो खा ले। प्लीज डीमार्ट वालों इस चीज को इग्नोर कर देना बिकॉज इतना बिल किया है तो थोड़ा डिस्काउंट। या ठीक है, आधा आधा दोनों एक एक। नको मेरे को स्निकर दे दे। रेडी हो चुकी है तो लेट मी टेल यू कि मैंने कराया क्या है। कल कराया था, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला और अपने को ऑफिस को भी लेट हो गया, तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने कराया। एक मैंने ये ग्रिल डलवाया है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, मैंने ग्रिल डलवाया है एक ये वाला, इससे जो अंदर कूलिंग फैन रहता है तो उसको इफेक्ट ना हो इसीलिए वो रहता है, तो इसलिए मैंने वो डलवाए वो। और ये लीवर गार्ड मैंने सोचा लीवर गार्ड लीवर के साथ आएगा, खाली उन्होंने लीवर गार्ड ही किया बट इट्स ओके, लीवर गार्ड डलवाया है। और क्या करें, ये क्रैश गार्ड ये, और ये दो क्वालिटी के आ रहे थे बट जो मेरे को ठीक लगा बिकॉज आई डोंट फाइंड लॉजिकली, मेरे को पता नहीं है कि कैसे काम करता है कैसा नहीं, बट जब आप इस एंगल से देखो अगर जब गाड़ी गिरेगी तो पहला पार्ट कौन सा एक्सपोज होगा, ये पार्ट एक्सपोज होगा राइट, तो यहाँ गिरेगी गाड़ी बट यहाँ लगाया है तो पता नहीं है क्या है कहीं, तो हम कहाँ थे। हाँ, आई डोंट फाइंड दिस एनी यूजफुल बिकॉज जब गाड़ी गिरेगी तो ये पार्ट एक्सपोज होगा ना, तो गिरेगा तो पहले इसको लगेगा फिर इसको लगेगा, आई डोंट नो ये बॉडी कवर करने के लिए या इंजन प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर इंजन प्रोटेक्ट करने के लिए तो ठीक नो प्रॉब्लम, क्रैच गार्ड क्यों नाम दिया है पता नहीं। दिस आई फाइंड यूजफुल बिकॉज गाड़ी आगे पीछे खींचने में मदद होगी और सपोर्ट भी रहेगा राइडर को एक्स्ट्रा बैठने के लिए, और कुछ नहीं भी मैंने करवाई है अभी ऑफिस के लिए लेट आ रहा है, लेट्स गो फाइनल टच। ऑल राइट, तो इसका मैं एट दी एंड खर्चा बता देता हूँ कि कितना हुआ है इसका। इसका लाइक जो भी मॉडिफिकेशन कह लो या जो भी सेफ्टी गियर्स कह लो, मेरे इसका हुआ है लगभग 4 to 5,000 आई गेस 4 to 5,000 में हमने बस सेफ्टी गियर्स डाले और कुछ नहीं, और सेफ्टी गियर्स डालना बाकी है बट एज ऑफ नाउ इतना हम कर सकते थे हमने किया। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर ऐसे ही वीडियो अगर वीडियो कंटेंट चाहते हो बाइक के रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड यस आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। विद दैट सेड एज ऑलवेज स्टे फिट स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय, टेक केयर।